I'll show you ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਆ ਰੱਖਣਾ ਆ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल वी द बिलेंस माई नेम इज जस एंड अज आप स्टार्ट कर दे अपना अज का व्लॉग तू तेरा फीवर उतर है नहीं है ना पैना डोल दे मैं अज के दिन की स्टार्ट कुछ खास वधिया नहीं हुई क्योंकि पवित्र नूं सवेरे सवेरे फीवर हो गया एंड किंदो ने ऑलरेडी मेरे रूम चो निकलने तो पहला मेडिसिन दे दी आ एंड इधर आ गई सिफती हुण आई थिंक सिफती नूं हले पता नहीं कि दीदी सिक आ लैट्स सी सिफती का की रिएक्शन हुंदा ओह माय गॉड बस या तो जो सिक आ उदो प्यार करना सी या सवेरे उठ के पहली बारी जो मिलना उदो या स्कूल तो आके उस तो बाद सारा दिन साड़ी फाइट एंड फाइट एंड फाइट इट्स ओके दो तीन दिन हुण रहूगा इहनूं ऑब्वियसली मैं अपना माइंड प्रिपेयर करके रखूँगी दो तीन दिन थोड़े औखे निकलूंगे हुण पवित्र दे सिफत नूं भी हो सकता होर भी किसी नूं हो सकता लैट्स सी सिफती योर ब्रेकफास्ट वैल पवित इज़ नॉट फीलिंग लाइक हैविंग एनी थिंग सो सिफत नूं मैं ब्रेकफास्ट दे दिता है सिफत का एंड इधर अज किंदू भी हले बिना चाह तो फिरदे आ शक्ल देखो कितनी सुस्ती पाई आ वैल ये है मेरे इनडोर प्लांट्स जिन्हां दे विच मैं कल राती पानी पाया सी ते किचन दी शेल्फ ते रखते सी एंड ये मेरे किचन दी विंडो च पिया हुंदा आ एंड दिस वन मेरे बैडरूम च हुंदा इच हले मैं पानी पाया सो इहनूं थोड़ा चिर मैं इत्थे रखूंगी एंड कॉफी मशीन दे कोल हुंदा आ ते कुछ उधर डाइनिंग एरिए दे विच वी पए आ प्लांट्स मेरे ए आई वी वाई दा प्लांट आ एंड ये बहुत सारे हेल्थ बेनीफिट्स होंगे एंड अज के मेरे दिन की जी शुरुआत है वह ग्रीन टी ना नहीं होगी कॉफ़ी ना होगी क्योंकि मैं बहुत भुख लगी हुई है इधर किंदोना की चाह बन रही है मसाला टी इंडियन टी जिन्हों आप कह सकते हैं एंड मैं बना लगी अपनी फेवरेट कॉफ़ी मौका एंड ये मैं थोड़ा चॉकलेट पाउडर ऐड करूँगी शुगर मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ऑलरेडी चॉकलेट पाउडर शुगर होंगी एंड ये अपनी जी कॉफी बीनस आ ग्रैंड होकर उन्हों का पाउडर बन के आ रहा तो आई विल शो यू किदा कॉफ़ी मैं बनानी अपनी कॉफ़ी मशीन के नाल इतों हम कॉफ़ी का जोड़ा पाउडर पाया से कॉफ़ी का शॉट निकलेगा जिन्होंने नहीं पता लैट मी टैल यू मैं थोड़ा टाइम जो ऑस्ट्रेलिया आई सी मैं एज ए ब्रिस्टा काम किया इट्स बीन सो लोंग नाउ छड़े हुए नु काम एंड हुण मैं अपने कॉफ़ी दे एक्सट्रैक्ट नू कॉफ़ी दे शॉट नू मिक्स कर लूँगी चॉकलेट पाउडर दे नाल एंड नाल दे नाल किंदू हुणां दी चाह भी नेली रेडी आ उहदे विच भी आपां दुध पाता हुण एक बॉयल देवांगे उहनूं आपां एंड हीयर मैं कॉफ़ी दे लई अपना जिहड़ा दुध आ उह रेडी करन लगी आ कॉफ़ी मशीन दे नाल एक्चुअली फ्रॉथ मैनूं बहुत वधिया लगदी आ इस लई मैं कैपेचिनो या मोका ही पीनी हाँ सो ये जी फ्रॉथ है वह बहुत वधिया बनती आ सिल्की बनती आ सो आई एम नॉट परफेक्ट क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं ब्रिस्टा का काम छड़े नूं बहुत भुल भी गया हूँ बट ये मशीन बहुत वधिया आ सो बहुत वधिया मिल्क बनाउंदी आ कॉफ़ी दे लई हीयर यू कैन सी बबल्स नहीं हैगे फ्रॉथ हुंदी आ इहदे उपर जिहनूं आपां झग कह दिंदे आ फ्रॉथ हुंदी आ बट सिल्की फ्रॉथ हुंदी आ बबल्स नहीं हुंदे एयर इन्नी ज़्यादा नहीं हुंदी उहदे च बबल्स नहीं बने हुंदे तो पोरिंग लई मैं इन्नी परफेक्ट नहीं हैगी बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत टाइम हो गया छड़े नूं सो बस इदी कुछ कुछ करके आपां पा देना आ जो बन गया बन गया सो हीयर गाइज अपनी कॉफ़ी रेडी आ मौका माई फेवरेट इट लुक्स डिलिशियस सो टेस्ट आपां हुण इहदा चैक करदे आ फटाफट नाल आई थिंक आई विल हैव सम टोस्ट आई एम टू हंगरी
वैल मैं किंदू लिए बनाई है स्वाद जी चाह, तो किंदू हुण मेरे लिए टोस्ट बनाओगे। तो इत्थे पवित भी ब्रेकफास्ट करन लई आ गया, थोड़े सीरियल देख के देखूंगे, जिन्ना क खा हो गया उन्ना ही सही। एंड आई एम इंजॉइंग माई टोस्ट विद कॉफी नाल किंदू दियां सिली सिली गल्लां विच इज़ फन। पॉकेट छागा मेरी पॉकेट च है फूड। डॉगी दा नेम की है? दिस है इस बिंगो मम्मा बिंगो। अच्छा ये बिंगो। एंड दिस इज समथिंग जे तो बिना मैनू अपनी मॉर्निंग कॉफी मॉर्निंग टी स्वाद नहीं लगती। वह होंगी सिर्फ दियाँ तोतलियाँ तोतलियाँ गल्लां। एंड सवेरे सवेरे कुछ ना कुछ प्ले टाइम यदा साढ़े नाल अपना ब्रेकफास्ट कर लिया सिर्फ दी ने, तो हाँ यदा बस प्ले टाइम स्टार्ट हो गया फॉर द डे। ले फूड फूड How are you feeling, Sonu? Good. Good? Better? Sir, ठीक है? हम तो नहीं दुख दा? नहीं, सर ठीक है। एंड गाइज ये अपने अज के व्लॉग का मेन पार्ट आ। इतों किंदू हुणा ने सारा जड़ा रियल ग्रास है रियल घास सारा रिमूव किया सी, उहदी वी मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो हुण किंदू कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, लाइक दबा रहे हैं, तय बना रहे हैं नीचे जिहड़ी वी ये मिट्टी आ इहदी। सो काफ़ी सारा काम हो जाना है ये। किंदू ने अगे अगे जड़ा आ घाया उन्हू पट दिता सारा, तो भाजी पिछे पिछे रोल बना रहे आ। तो ये रोल्स नू इन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स दे विच कट देना, सो दैट इनू चकना तो जिथे भी इन्होंने इतों मूव करना इनू सीटना या रखना है वह सौखा हो जूगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिन चेक वारी चा नहीं जाना। लैट्स सी किदां डिस्कार्ड करते हैं आपां। एक्चुअली असीं बाहरों भी पता किया सारा घर रिमूव करना तो आर्टिफिशियल नवा लगाना सारे प्रोसैस का $3,700 दस रहे सी बाहरों, तो सानू आप करना काफ़ी चीप पिया ये, सिर्फ साढ़े आई थिंक ऑल टूगैदर अप्रोक्सीमेटली $1,300 लगे ओनली। जोर ज्यादा तो नहीं लगा, लगता ठीक ठीक लगा। सो व्लॉग आप बना रहे हैं संडे, तो सैटरडे नू अपने को सारा समान जो डिलीवर हो गया सी, लाइक जोड़ा सिंथेटिक ग्रास सी ओ ते एक क्रश्ड स्टोन्स जेडे आप थले पाने आ ओ आ गए सीगे। एंड एक वीड मैट आंदा आ ओ भी आपा पहला पाना हुंदा आ घा लगाण तो है ना, ओ भी आ गया। एंड ये कुछ वाइट स्टोनस आ जिहड़े उपर अपना जिहड़ा प्लांट बैड आ ना उत्ते अपने थोड़े ब्राउन जिहा कलर दे स्टोनस आ, ते उत्ते आपां ये वाइट स्टोनस पाउणे आ क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा कह लो थोड़ी ब्राइट लुक दिंदे आ, ज़्यादा वधिया लगदे आ। सो ये प्लांट बैड ते ऑलरेडी तुसीं देखिआ कि वह वाइट स्टोनस पा दिते, पहलां इत्थे ब्राउन सी। एंड सिफती भी इतने बाहर आ गई आ इंजॉय कर देख के की हो रहा है की कर रहे हैं डैडी। एंड ये हुण किंदू वीड किल स्प्रे कर रहे हैं, एंटी वीड स्प्रे भी आप कह सकते हैं, सो दैट नीचे तो कोई अनवॉन्टड आई मीन वीड या कोई घा फूस एवें ना उग जाए। एंड नाल दी नाल सिफती का फुल फन टाइम चल रहा ट्रम्पलिन ते, अनफॉर्चुनेटली पवित इनू ज्वाइन नहीं कर पा रही अज बिकॉज उहदा बहुत बुरा हाल होया, शी इज़ टू टायर्ड। सो जिदा कि पहला भी मैं कहा किंदू लिए भाजी लिए बहुत हार्डवर्क होना है, काफ़ी टाइम लग जाना इन्हों अज, तो यह हैगा क्रश्ड स्टोनस किंदू स्प्रैड कर रहे हैं, भाजी बाहर तो लिया के इतें पा रहे हैं तो किंदू इन्हों स्प्रैड कर रहे हैं। एंड इनू भी जिदा थले पहला मिट्टी नू कॉम्पैक्ट किया सीगा इनू भी कॉम्पैक्ट करनगे दबाणगे प्रॉपर तय बनाणगे, उहदे बाद चो फिर इहदे उपर वीड मैट पाणगे। एंड ये सारा प्रोसैस मैं नाल दे नाल कैप्चर करके तुहानू व्लॉग दे विच दिखावांगी भी। सो हुण इनू फिर तो एक बारी वैट कर रहे हैं मे बी सो दैट इहदी चंगी तरह तय बन जाए। गाइज प्रॉपर मैं डिटेलिंग नहीं दस सकती जो जो करी जा रहे मैं तुहानू दिखाई जा रही हाँ।
बस उन्ना चेर मैं आलू रख दिते बॉयल होने लिए, क्योंकि अज मैं इन्हों आलू वाले परौंठे बना के खिलाऊंगी। एज आई प्रोमिस के जिस दिन इन्होंने घर लगाना है मैं इन्होंने आलू वाले परौंठे बना के खिलाऊंगी। एंड नाल दी नाल मैं अपना सारा जिहड़ा घर का काम है क्लीनिंग एंड ऑल वो कर लूँगी। मोस्ट डेज दे विच स्पैशली वीकडेज दे विच मैं ज़्यादा डिटेल घर का काम नहीं कर पाती लाइक कुकिंग क्लीनिंग। तो जिस दिन किंदू का डे ऑफ हों उदन मैं ट्राई करती हूँ मैं थोड़ा फैमिली टाइम या घर को टाइम देव। एंड सिफ्त को हम भुख लग गई है दुध मंग रही है तो सिफ्त को दुध दे के फिर मैं अपना बाकी का जोड़ा काम आ कंटिन्यू कर दी हाँ घर का। How are you feeling now? Way better than before. That's good. Your hands are so cool. Yeah, मैं तुम्हें दवाई फिर ओके पैनाडोल। अज किंदू भी बिजी आए भी सी कि इसलिए बाहर कितने जाया नहीं जाना, सो एंटरटेनमेंट लिए टीवी वॉच कर रही हूँ यही। एंड हियर यू कैन सी किंदू ते भाजी बाहर लगातार लगे हुए आ, हले आई थिंक लग जूगा शाम तक का सारा टाइम इन्हों का बिजी बिजी निकल जाना। एंड मीनवाइल मैं अपना बाकी सारा घर का काम लाइक बैटा दियाँ शीट्स चेंज करनिया लॉन्ड्री डिशेस वो सारा काम कंप्लीट कर लूँगी अपना। उन्ना टाइम हम आप आलू वाले परौंठे बना लैने। आलू मैं बॉयल करके मोस्टली मैं वैसे स्मैश कर लैनी हूँ पहला, बाद मैं आटे च गुन लैनी हूँ, पर अज मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ सो मैं सीधे ही बॉयल पोटैटोज जोड़े साब के सट दते। आप सॉल्ट पा लेना आ मसाला फ्रैश ग्रीन चिली ये कोरिएंडर भी मैं पानी हूँ बट मेरे को अज कोरिएंडर है नहीं गा। इसके अलावा आप ये जीरा पा सकते हैं अजवाइन पा सकते हैं समटाइम्स मैं सौंफ भी पा लैनी हूँ ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ी जी। एंड फिर आप फोक की हेल्प के नाल स्मैश कर लैने पोटैटोस। एज आई टोल्ड यू कि मैं नॉर्मली अलग तो इनू सैपरेटली स्मैश करती हूँ बट अज मैं लगता मैं भी सिक हो लगी हाँ बॉडी एक हो रही है बहुत ज़्यादा फुल बॉडी क्रैम्पिंग हो रही है सो मैं ये है कि मैं फटाफट एटलीस्ट पहला परौंठे बना दा लंच हो जाए रेडी इन्हों का। एक्चुअली ये ईजीएसट वे आलू के परौंठे बनाने का ईजीएसट एंड लेजीएसट वे। आटा अपना रेडी हो गया इनू 15 मिनट लिए रख दिता से मैं। एंड आप नाल दे नाल दो तवे स्लो फ्लेम से रख ले मैं हूँ फटाफट पहला पेड़े करके रख लैने। एक्चुअली मैं वेल के भी रख लैने जो तो परौंठे बनाने हो मैं पहले ही वेल के भी रख लैनी हूँ एको बार सो दैट मैं इदा हों के बाद मैं आराम नाल एको बारी दे मतलब परौंठे कोल खड़ के सेकी भी जावा बटिंग भी करी जावा तो मेरा सारा जो ध्यान परौंठे सेकण पर हो सो दैट वो टाइम पर फ्लिप हो जाए जलन ना या यू नो थोड़े क्रंची जहा ना हो जाए क्योंकि परौंठे मैं जो सॉफ्ट ही सोहने लगते हैं। सो परौंठे अपने सारे वेल हो गए तो हूँ आप फटाफट परौंठे सेक देने सारे। एंड जस्ट लुक एट इट लुक्स डिलीशियस इज़न्ट इट यम्मी। सो हीयर अपने परौंठे रेडी खाने वाले बंदे रेडी एंड किंदू होने बहुत टायर्ड आ कि हाथ दिखा रहे हैं दोनों जने अपने हाथों से रटन पै गए। ओह माय गॉड आई नो इट्स अ हार्ड वर्क। सो आप हम परौंठे इंजॉय करिए। सो एज आई टोल्ड यू मैंने भी पहले फील होने लग गया कि मैं भी हूँ सिक होऊंगी ज़्यादा कुछ नहीं हले बॉडी क्रैम्पिंग स्टार्ट हुई है तो मैं थोड़ा टाइम रेस्ट करूँगी हूँ। एंड इतने नाल दी नाल मैं तुहानू बाहर दिखा देवा कि किंदू हुणां ने वह क्रश्ड स्टोनस जिहड़े वह बाहर पा दिते आ। एक्चुअली मैं टायर्ड भी हो गई अज घर का सारा काम करन दे नाल ते से पवित भी सिक्या उहदे नाल लग के मैनू लगता मैनू भी थोड़ा वायरल होण लगा आ। सो उत्थे हुण मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी ब्रेक तो बाद मिलते हैं आपां। वैल गाइज मैं रेस्ट करके उठ गई सी शाम का टाइम हो गया तो दिस इज़ वीड मैट किंदू हुणां ने ऑलमोस्ट पा दिता आ स्टिल लगे हुए आ तो ये मैं तुहानू इत्थे दिखा दी हूँ होक्स आए होप यू कैन सी येस आ होक्स के नाल सारे साइड साइड से थोड़े थोड़े गैप तो बाद होक्स लगाइया किंदू उन्होंने इनू बेच एन चंगी तरह गड देंगे ये इदा आ कि वीड मैट फिक्स हो जाऊगा। एंड काम करते इन्हों काम करते उन्होंने भुख लगी मैं वेली भुख लग गई तो मैं दोबारा फिर परौंठा चक लिया अपना।
एंड हीयर ट्रम्पलिन दे नाल स्ट्रगल करते हुए घा का जोड़ा रोल आनू खोलन की कोशिश कर रहा है। इट इज़ रियली वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी है जोड़ा, ये सारा ही इको ही रोल आ। जो छोटे छोटे रोल्स बनवा लेंगे शायद वो थोड़े हल्के होंगे, ईजी होंगे संभालने। ये बहुत हैवी है, इनू पुश करना, पुल करना, लिफ्ट करना, सारा कुछ बहुत औखा आ। सो लैट सी हाउ दे डू। सो फाइनली किंतु हूँ ही रोल नू लैके डेस्टिनेशन ते पहुँच गए आ, ते हूँ इनू रैप किया होया ते अनरैप करूगी उनू कट के नाइफ दे नाल, ते फिर इनू रोल नू सारे नू ओपन करूगी। आई एम सो एक्साइटेड। सो इनू ओपन करन तो बाद ये हुण इस तरह लग रहा हले जिदा कोई मैट हुंदा आ, क्योंकि ये पूरा रोल बनया होया सी जिदा मैं तुहानू दस्सिया कि बहुत हैवी भी सीगा, ते प्रेस हो के सारा घा जिहड़ा वो नाल चिपकिया होया आ, इस करके ये हले मैट वाली लुक दे रहा। एक बार वो ब्रश लैके सानू ओपोजिट वे नू इनू ब्रश करना पेगा दो तीन बारी मे बी, एंड फिर थोड़े कु दिन लगूगे इनू थोड़ा नॉर्मल होने नू, प्रॉपर का जिदा खड़ा हुंदा है ना फ्रैश ओदा दे लुक आने दे लई। सो एज यू कैन सी सिफ्ती इज ऑलरेडी एक्साइटेड। सॉफ्ट हले होना सॉफ्ट My new toys. JJ. Someone did it for me. Oh, JJ. But I didn't find sister. You didn't find sister? And I didn't find mommy. You lost all the toys? I didn't. It was in the toy box. How you didn't? You did. Toy box chor bhi tu hi kar da unna. Don't you? Maybe Pitti lost it. Maybe Pitti lost it. किंतु हुण इह स्टिल लगे हुए आ जिद्दां मैं तुहानूं कहा सीगा ईजी नहीं होण वाला, क्योंकि इनू वल भी नहीं पैना चाहिए इन बिटवीन, और यह हैवी भी बहुत आ, तो इनू खिंचना स्ट्रेट करना एन है ना नाल लगा के ये लाइक इनू एन परफेक्ट वे दे नाल रखना थोड़ा जिहा चैलेंजिंग होगा। ये हुण किंतु हुण इनू प्रॉपर इत्थे विछा देणगे, फिर एजिस तो साइड्स तो एक्सट्रा जिहड़ा होगा उहनू कट देणगे, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਕਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਤੂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਕਸ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਸੀ ਹਾਓ ਲੌਂਗ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਟੇਕ। ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਸਿਫਤ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਡਿਨਰ ਬਣਾਉਂਗੀ ਅੱਜ। ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਲਈ ਸੇਮੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਰੈਸ਼ ਆਨੀਅਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਤੂ ਹੁਣੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮ ਚਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਵਿੱਤ ਦਾ ਫੀਵਰ ਹਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਹਲੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਾਈਸ ਰੈਡੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬੋਇਜ਼ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਇਰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਾ, ਰੇਨੀ ਵੈਦਰ ਅੱਜ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਰੇਨ ਸਟੋਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
मैट्स भी बना सकते हैं इहदे ते घर दी इक साइड ते लाइक जिधर साडे बिन पए हुंदे आई विल शो यू लेटर मे बी अगर उत्थे जरूरत पई असीं उत्थे रख दांगे सो आ हुक्स आ इही सारे घर ते भी लगावांगे आपां ते सिफती अपने रेन बूट्स पा के पूरे वन मोड दे विच आई हुई आ सो पूरा इंजॉय कर रही है बाहर आके एज यूजुअल वो पाए भी पुट्ठे उल्टे पुल्टे पैरों च पाए हुए शी इज़ सो हैप्पी सो एवें किंतु नॉर्मल नाइफ दे नाल जिहड़ी किचन दी अपनी किचन नाइफ हुंदी है ना उहदे नाल इह सारा ईजीली कट्टिया जा रहा वह कट्टदे जाणगे ते नाल दे नाल रोल बना बना के साइड ते रखी जाओगे जिदा मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा सो मैनूं लगदा अज वी हले पूरा ज़्यादा तां नहीं कुछ हो पाएगा क्योंकि इहदे बाद चों तुसीं आ देख सकदे आ देखो इत्थे किन्ना पानी खड़ा मीह पै के हटिया है ना तो यह पूरा ड्राई होने की वेट करनी पैनी है ड्राई होने तो बाद फिर ये उपर सैंड पानी आप थोड़ा इनू पहला ब्रश के नाल खड़ा करा घा थोड़ा है ना फिर ये उपर सैंड पावे एंड विथ स्टिल नैक्सट डे भी बहुत ज़्यादा सेकिया माई पोर बब सो ये छोटिया छोटिया चीज़ा डिटेलिंग यदि बहुत ज़्यादा हो जाती करन तो इतने मैं थोनों दिखाई हाँ जो रेनी वैदर हो जाता आ साडे स्लग्स एंड स्नेल्स कि निकल दया वेट मैं थोड़ा इतने कितने ना कि हो दिखाई हाँ स्लग्स तो स्केर्ड हो गया तू सो आ देखो आ रही गाइज एक आ लगी हुई आ एक आ लगी हुई इतने बहुत सारिया निकल आदियाँ होने सो आच होक्स जो देख रहे हैं किंदू उन्होंने घर के सटिया हुई आ ये साइड्स से भी सारे लगाइया इस तरह ये मिडल दे विच भी विच विच लगा रहे किंदू होने सो दैट फिक्स हो जाए चंगी तरह घर जड़ा आ सो गाइज फिलहाल तो यह आप इन्ना क ही कर पाए हाँ क्योंकि हूँ दो तीन दिन थोड़ा वैदर क्लीयर होगा इतों ड्राई होगा तो फिर ये आप सैंड पावे एज यू कैन सी ये थोड़ा थोड़ा खड़ा होने लग गया है हूँ है ना हले एक बारी ब्रश किया इनू ब्रश बैक एक दो बारी फिर दोबारा करांगे फिर होर सही हो जाऊगा एंड मैं तुहानू दोबारा एंड मैं तुहानू दोबारा दिखा दूँ वाइट स्टोन ये भी पूरे प्योर वाइट नहीं निकले बट स्टिल मच मच बैटर दैन बिफोर सो आपां थोड़ी जे आई थिंक प्लांट्स इत्थे होर लगावांगे चेंज करांगे सो यस मे बी फिर अगले व्लॉग दे तक जो भी आप अगला व्लॉग बनावांगे या तो अगले तक ये रेडी हो जाऊगा अपना सारा तो फिर तुसीं एग्जैक्ट फाइनल लुक तो फिर ही देख पाओगे सो फॉर नाउ ये हैगा आ सो विच इज़ प्रीटी गुड बाकी आ सारे क्योंकि हले क्लीनिंग वगैरह करने वाली आ सो ये हैगा हले क्योंकि उन्ना क पार्ट भी हले रहा आ सो वैदर क्लीयर होने की वेट कर रहे हैं किंदू होना का जिदन टाइम होगा उदन की वेट कर रहे हैं आप अपना अज का व्लॉग आप इतने फिनिश करते हैं तो मिलते हैं आप अपने नैक्सट व्लॉग के प्लीज़ अगर तुम वीडियोज़ वधिया लगती हैं चैनल में सबसक्राइब कर दो तो बैल आइकन प्रेस कर दो सो दैट तुम नोटिफिकेशन आ सकन जो भी असी कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं एंड वीडियो लाइक कर दिया करो तो चलो ठीक है गाइज अपना अपना रखियो ख्याल आप मिलते हैं अपने नैक्सट व्लॉग के टिल दैन सी यू टेक केयर बाय बाय